गंज थाना अंतर्गत अद्वैत आश्रम के पास रामनगर में रहने वाले मनीष बंजारा के मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 10,000 की नकदी सहित लगभग 2.5 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण लेकर हुए फरार। गंज थाना अंतर्गत पुष्कर रोड रामनगर अद्वैत आश्रम के पास एक सोने मकान को निशाना बनाकर चोर ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। पड़ोसियों ने परिवार को फोन कर चोरी की सूचना दी। परिवार के मनीष बंजारा ने बताया कि वह जयपुर में पढ़ाई कर रहा है, यहाँ बहन और मां रहती है। बहन ने उसे फोन कर बताया कि अजमेर आ जा, घर में चोरी हुई है। जब घर आकर देखा तो घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी हो चुके थे, साथ ही 10,000 की नकदी भी चोर चुरा ले गए। इसके बाद उसने गंज थाना पुलिस को चोरी की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। घर से सोने के 3 मंगलसूत्र, अंगूठी, एक जोड़ी कान के टॉप, 10,000 रुपए नकदी और चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। पुलिस घर के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। पढ़ाई करता हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को सुबह मेरे जज का फोन आया कि बेटा घर पे आ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं मेरी सिस्टर को फ़ोन किया इसको, तो उसने बताया कि अपने घर पे चोरी हुई है, तो आ जाए 4-5 दिन के लिए। मैं जब आया तो सामान बिखरा पड़ा था, तो मैंने बकायदा मौजूदा वीडियो बना ली इसमें। अब ये घर वाले थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ताला खुला है, तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया सुबह। अब मम्मी अस्पताल से 1 घंटे के लिए, तो मम्मी ने आके देखा, मम्मी ने कुछ भी नहीं छेड़ा। मम्मी देख के वापस, अब दीदी अकेली थी तो वही वापस चले गए। फिर मैं आया बकायदा यहाँ पे, फिर देखा ये सामान, तो कुछ भी कोई नहीं था पे घर पे, कोई नहीं था। क्या क्या माल गायब हुआ आपका? माल 3 मंगलसूत्र थे, केस था, और जो छोटा वाला ज्वेलरी वाले थे, मेरा 2-3 लाख का सामान है। नकदी कितनी थी उसमें? नकदी 10,000 रुपए थी। लगभग 3 लाख के आसपास। घटना ये घटना 11 तारीख की है, नाइट की है, 2 से 3 बजे के आसपास। गंज थाने में पुलिस आ गई थी बकायदा यहाँ पे। अब चोर तोड़ के आया, यही बात है। कहाँ पर मकान है आपका? यही है, आदित्य आश्रम पुष्कर रोड रामनगर। तो